नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आज कन्हैया से तुलना करके भगत सिंह का कांग्रेस ने क्या अपमान किया है, यही होगा हमारा मुद्दा, क्योंकि कन्हैया का एक तरफ गुणगान और क्या उसमें कर दिया भगत सिंह का अपमान। शशि थरूर, पूर्व मंत्री, यूपीए सरकार, आखिर उनका मकसद क्या था और क्या ये एक शहीद का अपमान नहीं है? क्योंकि एक तरफ भाषणबाजी वाले कन्हैया कुमार हैं जो देश के लिए भाषण देते हैं, और एक तरफ वो शख्स है जिसने इसलिए देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। कौन सा है वो पांच सवाल जिन पर आज हम करेंगे हल्ला बोल में चर्चा। क्या देश के शहीद का अपमान किया है शशि थरूर ने? सवाल नंबर दो, कन्हैया की तारीफ करके देशद्रोह के मसले पर कांग्रेस फंस गई है क्या? क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग कर रही है, कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद की दूसरा भगत सिंह हो नहीं सकता। राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस को घेरने का बीजेपी को मौका मिल गया है। इधर भगत सिंह पर बयान से पंजाब चुनाव में कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है? हालांकि अपने बाल, अपनी पहचान छुपाने के लिए शहीद भगत सिंह ने हटा लिए थे, लेकिन वो जनसेक सिख थे। कांग्रेस बीजेपी की सियासत से जेएनयू विवाद क्या और भी भड़केगा? कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे, उन सब से सवाल जवाब करेंगे और ये भी पूछेंगे कांग्रेस पार्टी के संजय झा से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कि क्या अब कांग्रेस पार्टी किनारा करके राष्ट्रवाद की इस पूरी बहस में अपने आप को इतिहास के सही तरफ रखने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि शशि थरूर ने तो नुकसान कर दिया है। पहले देख लीजिए क्या हुआ है। रात के अंधेरे में विवाद की नई चिंगारी भड़की। जेएनयू में नेताओं और अभिनेताओं के भाषण का सिलसिला आगे बढ़ाने शशि थरूर आए और देशद्रोह के आरोपी एक नौजवान को देशभक्ति के बड़े सिरमौर भगत सिंह के बराबर ला खड़ा किया। As you know, the biggest victims of the sedition law under the British were Nehru, Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, Annie Besant, Bhagat Singh. Bhagat Singh. Yeah, Bhagat Singh was the Kanhaiya Kumar of his time. जेएनयू देश की सियासत के केंद्र में है और कन्हैया कुमार सियासत के केंद्रीय किरदार, इसलिए अनुपम खेर आए तो कन्हैया की धज्जियां उड़ी और शशि थरूर आए तो तारीफ में मर्यादा की सीमा टूटी। We want an India which has room for both कृष्ण कन्हैया and कन्हैया कुमार। शशि थरूर की विद्वता सवालों से परे है। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से लेकर अमेरिका के फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी जैसे संस्थानों में पढ़े लिखे शशि थरूर असरदार भाषण देते हैं, लेकिन उन्हें कन्हैया कुमार में भगत सिंह का अक्स दिख जाएगा, इसकी उम्मीद तो खुद उनकी पार्टी को भी नहीं थी। शशि थरूर की जुबान शायद रॉ में बह गई। लेखक, राजनयिक और राजनीतिज्ञ शशि थरूर ने शहीद आजम भगत सिंह और कन्हैया कुमार की अटपटी तुलना कर कांग्रेस की किरकिरी करा दी। बीजेपी ने मौका भापा और थरूर के बहाने गांधी परिवार को लपेटे में ले लिया। शशि थरूर जी, ये बताएं कि अगर कन्हैया भगत सिंह है तो सोनिया जी या राहुल जी क्या है? क्योंकि आज़ादी के वक्त भगत सिंह का नाम कन्हैया से जोड़ देना, भगत सिंह का अपमान न करें। थरूर के बयान पर विवाद की मूसलाधार बारिश हुई। विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरी और पार्टी की साख को बट्टा लगा तो थरूर कैमरे के सामने आए, सफाई भी दी, लेकिन गलती ये कि उस सफाई में चूक का एहसास तक नहीं था। थरूर यहाँ भी कूटनीत कर गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या वामपंथी भर हो जाने से कन्हैया की तुलना भगत सिंह से की जा सकती है? थरूर के विवेक की बलिहारी है कि उन्हें भगत सिंह से कन्हैया की तुलना करना गंवारा हुआ, और बलिहारी उस राजनीति की भी है जिसे भगत सिंह और कन्हैया में समानता नजर आती है। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। बाजी भी उतनी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का 10 कदम पीछे चल जाना यह बताता है कि राष्ट्रवाद की इस पूरी बहस में उसे भी डर लगता है जब उसके कुछ नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं। कहते हैं नेता एक अलग ही चीज है, जब तालियों की गड़गड़ाहट या सुगबुगाहट कह लीजिए कहीं आसपास से आती दिखाई दे तो अक्सर बह जाता है। क्या यही हुआ था शशि थरूर के साथ? कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आइए आपका परिचय उनसे करा दें। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ है।
अतुल अंजान जी राष्ट्रीय सचिव सीपीआई के हमारे साथ हैं, ममता त्रिपाठी एबीवीपी के नेता हमारे साथ हैं और मनीष कुमार एसएफआई का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले लेकिन आज मैं संजय झा जी आपके पास आना चाहती हूं। मुझे पता है कांग्रेस पार्टी इस वक्त बेसब्र है अपने आप को शशि थरूर के बयान से अलग करने के लिए, लेकिन आप बीजेपी और उस सत्ताधारी पार्टी के किसी प्रवक्ता या मंत्री के किसी भी बयान पर माफी से कम में नहीं मानते हैं, तो फिर यही नियम आप पर आज क्यों ना लागू हो? क्या आपको नहीं लगता है कि शहीद भगत सिंह का अपमान किया है शशि थरूर ने? अंजना जी, सबसे पहले मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा, मतलब आपके आपके आज तक चैनल का, कि आपने डॉक्टर शशि थरूर का जो स्पष्टीकरण है उसको आपने वीडियो उसका प्ले किया। मैं समझता हूँ कि इससे जो लोग आपके दर्शक देख रहे हैं उनको सच्चाई उसी से मालूम हो जाएगा। लेकिन एक एक खैर, अभी बातचीत करना है तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले इसमें एक संदर्भ को स्थापित करना अनिवार्य है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, और मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ कि ये नकली राष्ट्रवाद है। जिस तरीके से आज भी भगत सिंह जी पे जो भी चर्चा हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक माहौल और वातावरण बनाया गया है जहाँ पर हम और आप कोई आदमी जो किसी की समीक्षा करे, सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की समीक्षा करे, सेकंड के लिए बीजेपी और आरएसएस को, वो राष्ट्रवाद की धरोहर की अपने हाथों में लिए हुए नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि शहीद भगत सिंह की भूमिका के बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर जैसे नेता क्या जानते हैं जो इस तरह के बयान कर देते हैं, दे देते हैं? अंजना जी देखिए, आपने गुलाम नबी आजाद जी का आपने वाक्य सुना है, उन्होंने कहा है और ये सब लोग जानते हैं, मैं एक काफी जिम्मेदार प्रवक्ता होते हुए आपके चैनल पे बताऊंगा कि शहीद भगत सिंह के जैसे न कोई थे और न कोई भविष्य में होंगे। क्या किया था उन्होंने देश के लिए? तुलना करना ये सर, क्या किया था भगत सिंह ने देश के लिए, क्या किया था? और यहाँ पर एक मिनट सर, डॉक्टर सर प्लीज, आज बुनियादी सवालों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। डॉक्टर थरूर ने अपने बुनियादी सवालों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अंजना जी जरा सुनिए, भगत सिंह जी ने क्या किया था इस देश के लिए, सर जरा बता दीजिए। हाँ, बस बस मैं वही बुनियादी जवाब दे रहा हूँ। आप बुनियादी जवाब आप सुनिए, तो आप सुनेंगे तब ना जवाब होगा। आप प्रश्न पूछने में जवाब दे रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ अंजना जी कि डॉक्टर थरूर ने किस संदर्भ में क्या कहा था। उन्होंने कहा था जिस तरह से ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की फासिस्ट सरकार, जिस तरीके से वो लोगों को देशद्रोही बना रही है, मेरे सवाल एक, का जवाब एक अंग्रेजों की सेडिशन कानून लेके, उसी का उन्होंने कहा था, जैसे महात्मा गांधी जी पर वो कानून लगाया गया, भगत सिंह जी पे वो कानून लगाया गया, इसी तरह आज कन्हैया कुमार जो भी एक युवा है, वामपंथी हो या मार्क्सवादी हो, जो भी हो, उसके विचारधारा पे मैं टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जिस तरीके से उन्होंने इस विषय पर वो कूद के इसको एक राजनीतिक लंग रह रहे हैं, ये यही बात सिद्ध करता है अंजना जी कि ये पार्टी खोखला हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इतने विफल हो चुके हैं क्योंकि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ रही है और पूरे समाज में तनाव है। ये सब एक बहाने हैं लोगों को भटकाओ, किसी न किसी तरीके से यहाँ वहाँ तोड़ मरोड़ दो। इससे देखिए भारत के लोग बहुत समझदार और जागरूक है, वो समझ जाएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। सर आज आप मेरे सवाल को भटका रहे हैं, मैं तो आपको सही जवाब सच्चाई से दे रहा हूं। क्या किया था इस देश के लिए? नहीं नहीं, मैं सच्चाई से जवाब दे रहा हूँ। आपके प्रोग्राम में बहुत बार आता हूँ, आप मेरे तेवर देख के आप बता सकेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। सर हम तो एक बुनियादी सवाल आज पूछ रहे हैं आपसे, शहीद भगत सिंह ने इस देश के लिए क्या किया था? मैं आपको एक बात ये भी जोड़ना चाहूंगा कि यही भारतीय जनता पार्टी बोलती है भारत माता की जय बोलो अपनी देशभक्ति का एक सबूत देने के लिए, और वहां पर शहीद भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सच तो वही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सोच में शहीद भगत सिंह देशद्रोही हो गए थे? यही 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 मूल प्रश्न है, यही बुनियादी प्रश्न है जो आप शाहनवाज जी से पूछिए। आज बीजेपी का बार बार आपके मुंह पर जुबान पर आना ये बताता है कि शहीद भगत सिंह ने इस देश की आजादी के लिए क्या किया था, इसमें जानकारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सीमित दिखाई देती है। मुझे माफ कीजिएगा संजय झा जी, लेकिन मैं ये बोलने के लिए मजबूर हो रही हूँ, और शायद इसीलिए शशि थरूर जैसे नेताओं ने जेएनयू में ऐसा मजाक उड़ाया, वहां पर मौजूद स्टूडेंट्स तालियां बजा रहे थे सर, और कहते हैं कि शहीद भगत सिंह उस वक्त के कन्हैया कुमार थे, एक भाषण देने वाले को देश के लिए 23 साल की उम्र में जो फांसी के फंदे तक हंसता हुआ गया था
उससे मिला देना शायद अपमान है, न सिर्फ उस शहीद का बल्कि पूरे देश का। मेरा सवाल शाहनवाज हुसैन साहब आपसे अब यह है कि क्या जानबूझकर बीजेपी जिस तरह से इस पूरी बहस को ले जा रही है उसी वजह से ये सब कुछ परिस्थितियां बन रही हैं और ये सब कुछ देश को देखना पड़ रहा है? देखिए, शहीद भगत सिंह एक ऐसे युवा कि उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से जिस तरह का लोहा लिया, जिस तरह से जाकर असेंबली में वो कारनामा करके दिखाया, वो बदला लिया, हर नौजवान उनको आइडियल मानता है। सवाल ये नहीं है कि शहीद भगत सिंह हो या आज़ादी का कोई सिपाही हो, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा, इस मादरे वतन की आज़ादी के लिए लड़ा, अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ा, हिम्मत से लड़ा, उसकी तुलना आप कन्हैया से कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट यूनियन के नेता हैं और अब सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ जो लोग नारा लगा रहे हैं। शहीद भगत सिंह ने कहा भारत माता की जय और फांसी के फंदे को चूमा, और आप नारा लगा रहे हैं भारत की बर्बादी इंशाअल्लाह ऐसे लोगों से। तो ऐसे लोगों से तुलना मत कीजिए। आप बीजेपी के नेताओं को जितनी आलोचना संजय झा जी को करना है, कांग्रेस को करना है, कीजिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए तो आपके पास अच्छे शब्द होते नहीं हैं, सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन बीजेपी का विरोध करते करते देश के शहीदों का विरोध करने लगे ये स्वीकार नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोग प्रतीक देखते हैं तो मैंने तुरंत एक प्रतिक्रिया दी थी कि अगर आप कन्हैया में देखते हैं शहीद भगत सिंह तो राहुल जी में क्या देखते हैं, ये भी बताना चाहिए था शशि थरूर जी को, क्योंकि वो भी सपोर्ट करने गए थे कन्हैया को जाकर वहाँ जेएनयू के अंदर। आज मोदी और जी जहाँ ने कहा तक संजय जी का है, आपने इनसे सवाल पूछा, इतने देर में तो वो गूगल कर लेंगे, सब जवाब दे देंगे आपको। चलिए, गूगल के जमाने में कौन कहाँ गूगल कर रहा है पता लगाना मुश्किल है। अतुल अंजान जी, मोदी जी ने आज कहा है कि आप सबको बुखार आता है उनके नाम से। अंजना जी, हाँ, मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 दिनों के भाषण प्रधानमंत्री जी के ले लिए जाएं। अभी सूफियों के सम्मेलन में वो गए थे, विश्व सूफी फोरम के सम्मेलन में, अच्छी बात है, सूफी लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह का वक्तव्य प्रधानमंत्री जी दे रहे थे वहाँ, ऐसा लग रहा था कि अभी शाम को वो किसी और धर्म को ग्रहण करने वाले हैं। इसका क्या तरह का ये पूरा चुनावी भाषण हर जगह, ये छल्लेबाजी, ये छल्लेबाजी जो है, ये क्या मतलब है? आप तो चुने हुए इस देश के अंदर सांप्रदायिक असहिष्णुता का भाषण दिए हुए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में तमाम बातें कहे हुए हैं, आप अहमदाबाद की कत्लो गारत के जिम्मेदार हैं, आप सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के प्रवर्तक ही नहीं, उसके दिशावाहक हैं, ध्वजावाहक हैं। और मैं नहीं कहता यह बात, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनका नाम वो बार बार लेते हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का, उनके हैं। गांधी का नाम लेने से गांधी के हत्यारे का जो आरोप है वो हटेगा नहीं। गांधी जी को किस तरह आपने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा करके अंबेडकर के पार्टी के अपने सदस्य हो गए, आप भूल गए मोदी जी? आप ये अंबेडकर को हिंदू कोर्ट बिल को क्यों संसद में तत्कालीन नहीं पारित कराया जा सका? इसके लिए कौन जिम्मेदार था? इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो आरएसएस और तत्कालीन जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बाद में उन्होंने जनसंघ की स्थापना की, वह जिम्मेदार थे। मैं एक के बाद एक आपको जी, एक तो अतुल अंजान जी फरवरी 1951 का सवाल, कठोर शब्द का उपयोग कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, जितने भी उन पर झूठे मिथ्या आरोप और जितने ज्यादा इल्जाम तराशी हुई, आज पाक साफ होकर हर कोर्ट अदालत से उनको बाइज्जत जिस तरह से उन पर जो इल्जाम लगाए गए पूरी तरह खारिज हुआ है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री से आपको शिकायत है कि वो अकलियतों के लिए बोलते नहीं, जब अकलियतों के लिए बोल रहे हैं तो आपको लगता है कि वो इस्लाम कबूल कर रहे थे। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने जो अपना मंत्र दिया देश को, इस्लाम कबूल, सबका साथ सबका विकास, उसी पंक्ति पर वो चल रहे हैं, उनके चश्मे से कोई भी मजहब कोई भी धर्म अलग नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने जो आज बातें कही हैं, मुझे लगता है कि आज और कई दिनों से आप कह रहे हैं, 3-4 दिनों से, तो प्रधानमंत्री जी ने आज क्या बातें कही?
प्रधानमंत्री जी ने तो यही कहा कि आप जो इल्जाम लगाते हैं चुनाव में मंच पर जी, संजय जी भी आपकी बात पे बोलना चाह रहे हैं। एक सेकंड। कन्हैया का गुणगान करते करते कहां पर अपमान हो गया भगत सिंह का, ये शशि थरूर को समझने की जरूरत है, क्योंकि हल्ला बोल देखने वाले 91% मानते हैं कि कांग्रेस ने भगत सिंह का अपमान किया। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने आप को दबे स्वर में साथ दे भी रही है। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में 34 लोग मारे गए हैं, 125 से ज्यादा घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज पूरे शहर में सुना। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट बना दे, थोड़ी सी